बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। खैर आप इसको अपनी जबान में क्या कहते हैं? वाह वाह, चले थोड़ा सा इसको ना गाढ़ा करके खुश्क करके फिर उतार लेना। ओ वाओ वाओ, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ करते हैं देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंस रहे, मुस्कुराते रहे। हर रोज आपको हम बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो आप सब प्लीज हमें सपोर्ट करें और बहुत सारी सपोर्ट करें ताकि हम अपने ब्लॉग वगैरह में कामयाब हो सकें। तो क्या गिराया है ये बोतल का टक्कर ना, मुझे मारा है इसने। तो मैं क्या कह रहा था कि हम आपके दुआ करते हैं तो आप ना हमें सपोर्ट क्या करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, हम भी कह रहे हैं। और हमारी दुआएं हमारे घर जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी तरह, फूलों की तरह। हाँ जी, और अभी मैं जा रहा हूँ, कोई सामान वगैरह लेना है वो लेने के लिए, तो दोपहर को कि मैं भूल गया था, तो अभी चलते हैं जी वहाँ लेते हैं। और अभी स्टार्ट हो चुका है जी हमारा दोपहर का दूसरा व्लॉग, तो करते हैं जी स्टार्ट। हाँ, तो दरवाजा खोला ना, इतनी ठंडी हवा अंदर आई है ना, दरवाजा हाँ बंद जी, होता है ना अंदर गर्मी होती है, हाँ जी। दिल करता है अभी ना थोड़ी देर ये दरवाजा खोल दो और हमको साथ ले जाओ, अभी साथ तो दुकान पे जाने आते हैं। नहीं, वो मैं आ जाता हूँ अभी 2 मिनट में। फिर वो असाथ ही पुल है ना खाले वाली, फिर वहाँ इसको उतारना पड़ता है, फिर बिठाना पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है। आ चुकी है जी डबल रोटी बिस्किट और साथ ही जो है ना चीनी, और उसके साथ ही आ चुके हैं घी। तो ये सारा सामान मैं लेके आ गया हूँ। डबल रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और चीनी समीना को पसंद है, घी हम सबको पसंद है और बिस्किट अरहम को पसंद है। तो ये अरहम के बिस्किट ये लो। डबल रोटी मैं अपने लिए लेके आया हूँ, अभी आप कह रहे हो कि मैंने खानी है डबल रोटी, आपको चाहिए या उसको चाहिए? बस खा लो, ये लो बस, वो बस नहीं खाएगा ऐसे करेगा। ये लो फिर। तो ये एक मैंने वैसे मैंने एक दोपहर का टाइम हम हाँ वैसे मैं एक मैंने अपने लिए ली थी, एक समीना के लिए ली थी, और उसके मैंने 2 बिस्किट लिए थे। अब वो कह रहा है कि हमें दो आप दें ब्रेड, फिर ब्रेड भी दिया, फिर ब्रेड भी नहीं खा रहा। ये यहाँ पे मिल जाते हैं, पहले भी मिलते थे ऐसे हाँ तो मिल जाती है ब्रेड, क्यों नहीं मिलती? तो यहाँ पे जो है ना आपका घी भी आ चुका है, आधा किलो मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये घी महंगा है और बाजार बाजार में ना 10-15 रुपये 20 रुपये बच जाते हैं, तो यहाँ पे 20-30 रुपये महंगा मिलता है। तो मैं आधा किलो लेके आया हूँ, फिर बकाया जो है ना मैं बाजार से लेके आऊँगा 1 किलो घी। तो अभी फिलहाल चीनी मैं यहाँ से लेके आया हूँ, चीनी क्योंकि यहाँ पे 120 रुपये है और शहर में भी 120 रुपये है। शहर में जो है ना थैले के हिसाब से ये गांव वाले हमारे दुकानदार लेके आते हैं, फिर थैले से ना इनको बचत हो जाती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए ना ये इसका रेट शहर में भी और यहाँ पे भी ना सेम है। तो घी जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 550-600 रुपये किलो है, तो वहाँ पे जो है ना शहर में कुछ सस्ता है, तो उसमें जो है ना डिफरेंस है कुछ ना कुछ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेके आता हूँ, अगर जरूरत पड़ जाए तो करीब से ले लेता हूँ, वरना अगर शहर से जो है ना लेता हूँ मैं अक्सर, तो जो अपना राशन है वो। माशाल्लाह जी, ये कल के हमने धनिया लिए हुए हैं और साथ ही पुदीना लिया हुआ है कल का, तो माशाल्लाह इसने फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में रखा था, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे अच्छे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं धनिया और पुदीना, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे धनिया और पुदीना नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये खीरे भी कल मैं लेके आया था, और माशाल्लाह ये भी ना हरे हरे पड़े हुए हैं। तो फ्रिज ये का ना, हाँ फ्रिज में मैंने रखा था शापर के ना, बंद शापर में बंद करके, तो ये अच्छे रह गए हैं। फ्रिज का यही तो होता है, या सहूलियात होती है फ्रिज की, कि जहाँ जो चीज़ भी रखें आप तो माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश पड़ी रहती है, और जिसका सालन वगैरह बच जाता है तो वो भी फ्रेश पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता, खट्टा नहीं होता। लेकिन सालन हम ना बस एक दिन मुश्किल से खाते, दूसरे दिन हमें नहीं अचार होता फ्रिज का ना, हाँ 2-3 दिन अगर पड़ा रहे ना तो फिर हमें नहीं अचार होता वो फ्रिज का। नहीं, फिर भी ना वो कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि अगर बच जाए ना तो उसको ना खत्म करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए हाँ, मैं उतना बना लेती उस। जितना हम खा लेते हैं, हाँ फिर हम बचा हुआ सालन ना अच्छा नहीं लगता हमें, मैं हाँ थोड़ा सा बना लेती हूँ अपने जो उस वक्त हाँ अगर खा ले उसके बाद। अगर बच भी जाए ना तो फिर उसको ना खाना चाहिए,
उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, या अगर बच जाए आपके पास साथ हमसाए हैं तो उनको दे देना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप चाहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना अगर वो ज़रूरतमंद है तो हेल्प ही हो जाया करेगी। तो हम भी इतना ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना कोशिश करते हैं कि जो है ना अगर कोई चीज़ हमारे पास हो ज़्यादा मकदार में तो हम दे देते हैं ताकि किसी का भला हो जाए। हाँ जी अरहम, मैंने कहा भागो हमसे रोटी खा जा, भागो हमसे रोटी खा जा। रोटी पकी नहीं, क्या खिलाओगे उनको? वसल खिलाऊंगा। वसल खिलाओगे? अपने बिस्किट खिला देना उनको। हैं खिलाओगे? नहीं बस नहीं खिलाओगे बिस्किट हमारे बहन भाइयों को? एक खिलाऊंगा। सारे खिला देना, कहो मैं सारे खिला दूंगा बिस्किट, जो भी आएगा मैं सबको खिला दूंगा। माशाल्लाह जी, हमारा शाम का जो खाना है वो बनना स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और घी जो है ना डाल दिया है लोड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने बना रहे हैं आज? हाँ चने बना रही हूँ, आप टाइम से लेके आए, अल्लाह करे गल जाए। वो गल जाते हैं, आप बड़े जबरदस्त तरीके से पकाती हो, आप जब पकाती हो जबरदस्त तरीके से तो गलेंगे क्यों नहीं, मुझे बताओ आप हैं? इतना लेट कर दिया इसने, हालांकि चने की दाल जो है बहुत लेट गलती है ना। जब समीना चने की दाल पकाए वो चनों की जरूरत है वो ना गले, ऐसे हो सकता है? क्या मतलब? जब मैंने कहा मैडम साहबा पका रही हूँ चने की दाल, फिर ना गलने की कोई जवाब ही नहीं बनता, ना गलने की कोई वजह ही नहीं बनती। अच्छा देखते हैं, लग रहा नहीं, ये कमीज मोटा ना पहनो आप। पहना भी उल्टा हुआ इसने। ना उतार दो। वो अगला अगली साइड ना पीछे की हुई है आपने। शाम को हम ना खुद इसको नहलाकना पड़ता है। मैं तो कह तो रहा हूँ आपको, अगली साइड आपने पीछे की हुई है, ये साइड जो है ना, ये साइड आपने पीछे की हुई है, आगे आएगी बटनों वाली साइड, ये कॉलर वाली साइड बैक पे आएगी, पीछे आएगी। आपने उल्टी कमीज पहन ली है। कैसे उलाऊंगी? उतारो पहले इनको, उतार के फिर आएगी ना साइड सीधी। तो जी माशाल्लाह, अभी क्या क्या डाला है? घी और प्याज। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह घी और प्याज डाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो रेसिपी आज पूरी दिखानी है या आधी दिखानी है? आप जाओ फिर रेसिपी कौन बनाएगा, दूसरे मोबाइल में फिर कोई पकड़ने वाला होता नहीं है, मुझसे रेसिपी फिर नहीं बनती ना अच्छी। अच्छा। कोई मोबाइल पकड़ने वाला होना फिर अच्छी बनती है। अभी मैं काटने लगी हूँ ये प्याज, ये टमाटर, प्याज मैंने जो है वो डाल दिए हैं, लहसुन भी मैंने कूटना है अभी, और इसको अभी काट लेते हैं। चलो तो वैसे भी मैंने जाना है उधर मस्जिद वाली जगह पे, वहां पे मैंने टीयर और गार्डनों की पेमाइश करनी है, तो सुबह सुबह मैंने टीयर और गार्डनों का ऑर्डर दे देना है, तो उसके बाद जो है ना सुबह ऑर्डर दूंगा, तो फिर शाम को हमें मिलेंगे, और शाम को जब मिलेंगे उठा के मैं रखवा दूंगा, फिर सुबह सुबह उन्होंने जाल डालनी है जी छत हमारी मस्जिद की, तो मैंने वो भी काम करना है। उसके बाद एक और भी काम है, वो मैं मेरा ये काम है कि मैं अपनी शॉप पे जाऊंगा और वहां से पेंटिंग का जो सामान है वो मैं लेके आऊंगा, और इधर घर में ना जो चार दीवारें हैं हमारी, जिस तरह ये दीवार फ्री खड़ी हुई है, ये दीवार फ्री खड़ी हुई है, ये दीवार फ्री खड़ी हुई है, इन चार दीवारों के ऊपर हमने करनी है जी पेंटिंग। जिस तरह एक होता है ना कि सीन होता है, पहाड़ी सिलसिला होता है, पहाड़ी सीन होता है, वो हम बनाएंगे, और दूसरा जिस तरह परिंदे वगैरह होती हैं वो बनाएंगे, इवनिंग सीन बनाएंगे, मॉर्निंग सीन बनाएंगे, इस तरह से ना बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सीन बनाएंगे, दीवारों के ऊपर पेंटिंग करेंगे, तो वो दीवारें हमारी बहुत अच्छी लगेंगी। तो पेंटर तो मैं खुद ही हूँ, आपको पता है, अगर वो अच्छी ना लगी तो फिर उनको रेज कर देंगे, फिर बनाएंगे, फिर उनको रेज कर देंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे, आप सब भाई भाइयों से शेयर भी करते रहेंगे। हाँ, पिक्चर्स नहीं बनाएंगे, जैसे गुड़िया हो गई, हाँ जी, फल वगैरह हो गए, ये नहीं बनाएंगे, बस सिर्फ हम परिंदे वगैरह जैसा होते हैं ना वो सीन बनाएंगे बस। हाँ, तो परिंदे की पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते, परिंदों का क्या है, परिंदों का कुछ नहीं है, वो बना लेंगे, जिस तरह थोड़ा बहुत मोर वगैरह हो गए, जिस तरह कोई चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह जिस तरह होते हैं ना, पेंट वो ऑयल पेंट जो होता है ना वो करेंगे ना, हाँ जी वही होगा, तो वो फिर बारिश में उतर जाएगा, बारिश में नहीं उतरता, वो होता ही वाटर वाटर प्रूफ है, तो फिर उतरेगा कैसे? वही मैं कह रही हूँ, उस पर थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा।
वो मेरी जो जिस शॉप से मैं लेता हूँ ना, जो जिस शॉप से मैं लेता हूँ वो जानने वाले हैं, कुछ रियाल से देते हैं वो सामान, तो उनसे लूँगा ना। और कुछ सामान मेरे पास अवेलेबल भी है ना, वो भी ले लूँगा, वो भी रख दूँगा। पेंटिंग का आप काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, काम ना होने के बराबर है हाँ, बस इसका। होता ही नहीं है, बंदा क्या करे अब। आप किधर आ गए हो और हम बाहर, क्या माहौल देख रहे हो, ठंडी हवा लगवा रहे हो, वाओ आप तो बहुत गर्मियां है ना। हाँ कच्ची हैं, हाँ खजूर अभी जो है ना वो कच्ची हैं, तो अभी पक रही हैं, फिर आप खाओगे जब पक जाएंगी तो नीचे गिरेंगी ना फिर। हाँ जो जब आंधी आती है ना फिर खजूर गिरती है ना नीचे, फिर आप चुन के खाओगे। अच्छा तो अभी जो है ना शाम का माहौल है, शाम होने वाली है माशाल्लाह, और यहाँ ग्रासी प्लॉट देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे लग रहे हैं। तो मैं जाऊँ फिर, आपने शहर से कोई चीज़ मंगवानी है अपने लिए, चीज़ ही खानी है आपने। हाँ बिस्किट लेके आया था मैं तो। हाँ नहीं चक नहीं पाता कट्टा, नहीं चक नहीं पाता वो। जो ये दीवार है ना, ये दीवार मुकम्मल हो चुकी है फुल जो है ना वो टीयर टिकाने तक, क्योंकि इस तरफ ना हमारे ऐसे टीयर आएंगे और ऐसे हमारे आएंगे गार्डर, तो उधर भी जो गार्डर है ना उनकी जगह छोड़ दी है, 1 2 3 4 चार हमारे गार्डर आएंगे ऐसे, फिर ऐसे इस दीवार के ऊपर टिकेंगे और ऐसे जो है ना हमारे टीयर आएंगे, तो इनकी जो है ना सेटिंग हो गई है एक तरफ से, बाकी ये दीवारें मुकम्मल वहां तक, ये दीवार और वो दीवार, 1 2 और वो दीवार मुकम्मल, तीन तीन दीवारें बाकी रहती हैं। तो इंशाल्लाह कल ये मेरे अंदाजे के मुताबिक तीन दीवारें कर देंगे, या हो सकता है कल एक ये और एक ये करें, ये फिर भी रह जाए तो ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि जब काम नीचे होता है ना मतलब बुनियादों का, तब जल्दी वो होता है मतलब ज़्यादा हो जाता है काम, जब ऊंचाई में काम पहुंचता है ना तब वो जो है ना एवरेज काम की कम हो जाती है, कि फिर नीचे से ईंटें पहुंचाना ऊपर, जो नीचे से सीमेंट पहुंचाना ऊपर, फिर ऊपर की चुनाई जो है ना वो थोड़ी सी टफ हो जाती है और काम जो है ना कुछ स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, वैसे भी ऐसे ही होता है। तो जब बुनियादों का काम था आपको पता है नीचे था, तो मिस्त्री खुद भी ईंटें उठा उठा के ना लगाता रहता था, अब ऊपर पहुंच चुका है तो साफ जरा फिर ऊपर कैच कैच करवाना पड़ता है ईंटें, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है काम, तो इस वजह से ना कुछ नबेड़ा काम का बहुत कम हो रहा है कुछ। तो चलें कोई बात नहीं, जब टाइम था तो इन्होंने काम खींचा, अब थोड़ा सा टफ हो चुका है तो एवरेज कम निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आज के डेट में ये काम और वो जो दूसरी दीवार है ना वो वाली वो दी है, मतलब आज की डेट में दो दीवारें मिली हैं। चलें कोई बात नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तआला के करम से हमारी मस्जिद जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ना मुझे बहुत पसंद है, पहले एक मैंने गिलास पिया है, उसके बाद दूसरा भी पी रहा हूँ। आप इसको अपनी जबान में क्या कहते हैं बताइएगा, हम इसको बोलते हैं सराकी में ठिठई बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं जी सरदाई, बाकी जबानों का मुझे नहीं पता, तो आप अपनी अपनी जबान में क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। मैं बाजार से आम लेके आया हूँ तो मार्का ऐसे आम खा रहे हैं जैसे मुझे ये जानते ही नहीं। ये देखें इसके काम, देखिए मुझे सुलाई नहीं कर रहा है, जो बंदा लेके आया है उससे पूछ भी नहीं रहा है कि तुमने खाने हैं या नहीं खाने। अहमद आप बताएं आपके हाल चाल कैसे हैं, आपको आम काट के दें हम आप भी खाएं, लेकिन नहीं भी अपने ये लगे हुए हैं अभी अपने कामों में। पता है क्या, पिछले दफा ये आम लेके आया था ना वो थोड़े से ना खट्टे थे, मेरे ख्याल में पाल वाले आम थे, तो ये मजे के आम थे, तो मुझे इतने मुझसे पूछना भूल गए फिर। मैं ना ठंडे ठंडे मैंने ठंडे ही नहीं किया ऐसे जल्दी जल्दी खाने से। आपको होश ही नहीं रहा कि कोई और बैठा होगा साथ, क्या तुमका हम पेट भर के बसेंगे, क्या कहता है इसकी तो कोई समझ ही नहीं आती। तो अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ सूरज, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है सूरज की, ये चेक करें, वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त लग रहा है सूरज, ये चेक करें जी, बहुत ही जबरदस्त अच्छा लग रहा है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें मुंह ही फेर लिया मैडम साहबा ने, क्या
कि कहीं ये देख ना ले कि कैसे खा रहे हैं, या मांग ना ले ये बंदा। मैं अंब चूपन लई गई बाग विच फड़ी गई, वे मैं बड़ा रोला पाया माही बाज न आया। शरारतें चेक करो आप इसकी। तो मेसी में बैठ के आम खाओ वरना कवा ले जाएगा आपका आम। हाँ जी दिखाएं कौन सा आपने तीर मारा है सालन के अंदर। अभी तो पकड़ी है दाल। मैं भी देखूं और मेरे प्यारे बहन भाई भी देखें कि सबिना ने कैसा तीर मारा है सालन में। अभी तो गल रही है ना। अच्छा इसको पकाएंगे फिर खाएंगे। अच्छा चलो वैसे भी दिखा दो। पक रही है ना। वाह वाह। चले थोड़ा सा इसको ना गाढ़ा करके खुश्क करके फिर उतार लेना। हाँ। फिर अच्छी बन जाएगी ना। अभी चीनी जो है हम डब्बे में डालते हैं और फिर खाते हैं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी दाल जो है वो पक चुकी है और गल भी अच्छी तरीके से गई है क्योंकि मैंने बाहर वाला फिल्टर वाला पानी डाला था, उसके साथ ना दाल अच्छी तरीके से ना पक जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। खैर है। और गल भी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा नहीं था कि हमारी दाल इतनी जल्दी बन जाएगी क्योंकि अहमद को काफी देर हो गई थी सामान वगैरह लाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दाल हमारी जल्दी बन गई है। अभी शाम भी नहीं हुई और खाने के बाद अलग ये पानी ना पी मैं बन के देखू उधर से ना। ये गर्म पानी है। हाँ, ये गर्म पानी पड़ा हुआ है। ये है तो फिल्टर वाला लेकिन है गर्म। हाँ, तो अभी मुझसे मांग रहा था, मैंने कहा अच्छा देती हूँ। और ये रोटी मेरी ये मैंने आज ना इस पे ही बनाई है क्योंकि दाल पे ना काफी ज्यादा ना वो लगती है, मतलब गैस वगैरह ना बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। तो इस वजह से ना मैंने सोचा है कि इस पे बना लेती हूँ, लगने की अच्छी बनती है। और अभी चलते हैं और खाना खाते हैं। अगर आप बहन भाई ने भी खाना है तो प्लीज हमारे साथ आके खा सकते हैं। अभी रखते हैं चार पाई पे और पानी वगैरह को देते हैं। कब से ये मांग रहा था मैं थकावट की वजह से ना क्योंकि चूल्हे पे बैठी हुई थी अंदर और कमरा भी बंद था, बाहर काफी हवा चल रही थी, इस वजह से ना आज मुझे चक्कर आ गया अंदर ना गर्मी में। अभी पानी खा के आते हैं। चलो बैठे इधर खाना खाओ और मैं पानी ले आती हूँ। बैठ जाओ इधर। चलें जी माशाल्लाह अभी खाना हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंगोज भी हैं हमारे पास। तो खाना खाने के बाद हम मैंगो खाएंगे, थोड़ा सा मुंह मीठा करेंगे। तो मगरब का टाइम हो चुका है, अजानें भी हो रही हैं मगरब की। हाँ तो मगरब की अजानें हो रही हैं, उसके बाद मिलते हैं जी आपसे। वाह जी वाह, वाओ राम वाओ, मजा आ गया जी, मजा आ गया मैंगो को देख के। और अभी खाएंगे इंशाल्लाह। तो अरहम को जो इसने ना मैंगोज को देख के रोटी ही नहीं खाई। अब ये सोच है जल्दी ये बंद करे मैं खाऊं। हाँ ये ना मैंगो का दुश्मन है तो ये ना ये मैंगो बहुत शौक से खाता है, तो इसलिए ना मैंने कहा चले आज इसको काट के देते हैं और ये रज के खाए मैंगो, है ना अरहम। हाँ तो अभी आपने भी खाना है। हाँ जी एक दो खा लूंगी। अच्छा चले अभी स्टार्ट करें। अभी आप टेस्ट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मैंगो। वैसे आपने टेस्ट तो वैसे किया होगा ना पहले। हाँ तो मैंने वैसे मैंने नहीं खाया था और हमने भी टेस्ट किया था अपना, तो मैं अभी चेक करूंगा कैसे लगते हैं। मजेदार है ना। वो उठा लो ना उसके अंदर डालते जाना डोंगा उठा लो। हाँ तो प्यारे प्यारे भाइयों इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ अगर आपने मैंगोज खाने हैं तो आ सकते हैं जल्दी से, मैं भूल गया था।